डिजिटल न्यूज 20 के स्पेशल सेगमेंट में हम आज बात करेंगे शरीर में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं जनक आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र के संचालक डॉक्टर ललन तिवारी। वैद्य जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर प्लेटलेट्स की कमी या डेफिशिएंसी होती क्या है। प्लेटलेट कम से कम 1.5 लाख रहना चाहिए, उससे कम होने पर प्लेटलेट की कमी कहलाती है। प्लेटलेट के कम होने से आदमी बराबर बीमार पड़ने लगता है, कोई रोग होता है तो छोड़ता नहीं है, जल्द कमजोरी महसूस होता है। किन कारणों की वजह से होती है ये कमी, इसके प्रमुख कारण क्या है? जी, खास करके रसायन युक्त यानी केमिकल युक्त आहार लेने से, पदार्थ का अधिक सेवन करने से हो जाता है, अधिक परिश्रम से भी हो जाता है, चिंता से भी हो जाता है, लेकिन रसायन युक्त आहार इसका मुख्य कारण है। इससे शरीर को क्या नुकसान होता है? शरीर को नुकसान होता है कि शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, कोई भी बीमारी आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो प्रवेश कर जाता है साधारण बीमारी भी जल्द नहीं छोड़ता है, बुखार हो जाता है, डेंगू हो जाता है, शीत ज्वर हो जाता है। कैसे पहचाने कि शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है या नहीं, क्या है इसके प्रमुख लक्षण? ऐसे तो जांच कराने से पता चल जाता है, रक्त का जांच कराने से पता चल जाता है कि प्लेटलेट कितना है, लेकिन जब रोगी को कोई बीमारी न छोड़े, साधारण बीमारी भी जल्द दवा से न छूटे, तो समझ लेना चाहिए कि प्लेटलेट की कमी हो गई है। बुखार लग गया, जल्दी नहीं उतर रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि प्लेटलेट की कमी हो गई है, तो उसका जांच करा लेना चाहिए। हमने अब तक जाना कि प्लेटलेट की कमी होती क्या है, इसके कारण और नुकसान। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर इस कमी से निजात कैसे पाएं, शरीर में प्लेटलेट की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। प्लेटलेट की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कच्चा पपीता का सेवन करना, और कच्चा पपीता यदि न मिलता हो तो पपीता का पत्ता का काढ़ा बना करके आधा आधा कप सुबह शाम पीने से 5 से 7 दिन में प्लेटलेट बढ़ जाता है। वो भी न मिले, यदि मिल सके तो बकरी का दूध सेवन करने से प्लेटलेट बढ़ जाता है। उसके अलावे भी, ये सब तो आसान तरीका हुआ, घरेलू उपचार हुआ, उसके अलावे भी प्लेटेंजा नाम का दवा मार्केट में उपलब्ध है आयुर्वेद में, जिसका सेवन करने से बढ़ता है। वैद्य जी, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।